अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं खुदीजा और आप देख रहे हैं फतेह फूड सीक्रेट्स। सो आप लोग की खिदमत में हाजिर हो गई बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही जूसी किस्म का सॉफ्ट गार्लिक चिकन रोस्ट, जो इतना मज़ेदार बनता है और इसे बनाना नहायत आसान है। और ये रेस्टोरेंट में जो आप लोगों को बहुत महंगा दिया जाता है, और इसमें क्या चीज़ें, क्या मसाले, क्या ऐसे सीक्रेट मसाले डलते हैं जिसकी वजह से वो इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। सो चलिए सब कुछ आपको बताऊँगी और बहुत ईजी वे में इसे हम बनाना सीखेंगे, ठीक है? सो वेलकम टू फतेह फूड सीक्रेट्स। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ के जी जो है वो चिकन ले लिया, ठीक है? मैंने बोन्स के साथ लिया बिकॉज ये बहुत जूसी किस्म का बनता है और ये थाई का गोश्त है, ठीक है? आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसे हमने छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लिया। एक चम्मच में भर के हमने 1 टीस्पून इसमें नमक लगाया और हाफ टी स्पून हमने ले लिया जी हल्दी, ठीक है? हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से सारे में मिक्स करके ना इसके ऊपर लगा देना, ठीक है? और 10 मिनट के लिए जो इसे कवर करके रख देना और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके बाद अपना दूसरा यानी कि सेकंड स्टेप करते हैं। हमने ले लिए जी 2 प्याज छोटे साइज़ में और इनको जो है हमने अब चॉप कर लेना है, ठीक है? इस तरह से सेंटर में से कटिंग करेंगे, ऊपर से इसका ये उतारेंगे और ऐसे करके जो है इसे हम लोग कटिंग कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। ऐसे जो है ये कटिंग चॉप हो जाती है, ठीक है? पहले इस तरह से करेंगे और फिर इसे ऐसे करके जो है वो सारा चॉप कर लेंगे, ठीक है? सो चलिए जी इसे जो है अब हमने चॉप कर लिए। हमारी प्याज जो है वो चॉप हो चुकी है। उसके बाद हम अपने सीक्रेट मसालों की तरफ आते हैं, ठीक है? ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो है हमारा ये चॉप हो गया। सबसे पहले हमने लिया है जी 1 टेबलस्पून जो है वो साबुत धनिया, ज़ीरा लिए 1 चम्मच और 3 से 4 लौंग लिए हैं, 5 से 6 अदद काली मिर्च लिए हैं, कड़ी पत्ता लिया है, 1 छोटी इलायची ली है और 1 बड़ी इलायची ली है, ठीक है? इन सारे मसालों को जो है हमने रोस्ट कर लेना है। एक पैन लेना, उसके अंदर जो है ड्राई रोस्ट करना है। उसे हमने बिल्कुल धीमी आँच पर, ठीक है? जब प्यारी सी खुशबू आने लगे हम लोगों ने इसे उतार लेना। ये देखिए हमारा जो है बहुत अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुका है। अब हमने इसे जो है बड़े प्यारे से कूट लेना है, ठीक है? इसे रखेंगे साइड पे। एक पैन लेंगे और इसके अंदर जो हमने अपना प्याज चॉप किया था वो इसके अंदर 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है, ठीक है? ज़्यादा ऑयल नहीं डालना हमने इसमें, बट थोड़ा सा ऑयल चाहिए भी हमें। सो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब अपना प्याज जो है हम हाई फ्लेम पर जो है अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे, ठीक है? जब तक हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होता है हम अपने मसालों को जो है वो कूट लेते हैं, ठीक है? हमने इसका फ्लेम जो है वो हाई रखना है। और इसके बाद जो है ये ले लिए हमने अपने ड्राई मसाले जो हमने रोस्ट किए थे, ठीक है? इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। इसके अंदर अब हम डालेंगे जी 2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, ठीक है? और हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड किया जस्ट, ठीक है? और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। अब हमने जो है ना इसे अच्छी तरह से कूट लेना है, ठीक है? और इसके अंदर जो है हमने इसे गार्लिक चिकन हम बना रहे हैं ना, इसके अंदर 15 से 20 जो है मैंने वो क्लॉव्स ले लिए हैं लहसुन के, ठीक है? आप लोग जो है ये इसी तरह इसमें अच्छी तरह से कूट लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें, यकजान हो जाए, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारा प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें 5 से 6 अदद जो है वो हरी मिर्चें लेनी है, ठीक है? वो बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ साथ हमने इसे भी फ्राई कर लेना है, ठीक है? सो चलिए जी हमारी इसके साथ जो है हमारी ये ग्रीन चिली भी इसके साथ साथ फ्राई हो चुकी है। इसका भी बहुत मज़े का एक फ्लेवर इसमें आ जाता है, ठीक है? अब साथ ही हम इसके अंदर जो है अपना चिकन ऐड करेंगे, ठीक है? जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसमें हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है? अपने चिकन को। और चिकन को जो है ना हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है बिकॉज जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है ना? ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से हमने साथ साथ मिक्स करते रहना है और साथ साथ जो है इसे फ्राई करते रहना है हमने। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और चिकन का जो है वो कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए इसने जो है वो ऑयल भी थोड़ा थोड़ा यानी इसमें रिलीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टमाटर, ठीक है? 1 बड़े साइज़ का जो हमने टमाटर लिया था और इसे चॉप कर लिया था, इसे भी इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसे भी हम साथ साथ फ्राई कर लेंगे, ठीक है? ये देखिए इस तरह करके हमने अपना टमाटर भी साथ साथ इसके फ्राई कर लेना। इतने मज़े की स्मेल आ रही है बिकॉज़ अभी तक हमने अपने मसाले इसमें ऐड नहीं किए, वो जो हमारे स्पाइसेस हैं। चलिए साथ साथ जो है हम अपने वो जो मसाले हमने इसमें कूट के रखे थे ना अच्छी तरह, ये देखिए कितने बारीक हमने पीस लिए थे। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं बिकॉज़ हाथ से मुझे ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, सो मैंने हाथ से पीस के इसके अंदर ऐड किया। सो देखिए जी हमने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तब तक इसे मिक्स करेंगे बिकॉज़ तब तक सारे चिकन पर जो है सारी बोटियों पर अच्छी तरह इसका कोट ना हो, ठीक है? मसाले का। ये देखिए सारा इस तरह करके हम इसे, ये देखिए ऐसे करके जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को इतनी मज़ेदार स्मेल आ रही है, सारा टेस्ट इस मसाले का होता है। ठीक है, ये हमारा सीक्रेट मसाला तो जो रेस्टोरेंट वाले जो है वो डालते हैं और आप लोगों को बताते नहीं हैं। और ये देखिए इसके साथ साथ जो है हमारा ये सारा मसाला इसके साथ मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ एक घूंट जो है वो पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, हमने बिकॉज हमारा चिकन जो मसाला अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाए और हमने इसे अब कवर लगाकर रखना है 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ठीक है, ताकि हमारा मसाला भी इसके अंदर तक चला जाए और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ठीक है, चलिए 7 से 8 मिनट बाद जो है हम इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार रेडी हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे जी हरे धनिए के साथ। ठीक है, और इतने मज़ेदार स्मेल आ रही है। आप जब ठंडा हो जाए ना तो आप लोग ने इसके अंदर जो है एक लेमन का रस भी जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है, बिकॉज़ गरम गरम में कभी भी नहीं डालना चाहिए, उससे जो है वो चिकन का टेस्ट जो है वो कड़वा कड़वा सा हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत मज़ेदार हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है और मैंने आप लोगों को जो है वो डिश आउट करके भी दिखा दिया। आप लोग को एक बोटी तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़ेदार सॉफ्ट जूसी किस्म का जो है वो हमारा चिकन रेडी हो गया। सो चलिए जी बहुत मज़ेदार बना है, मैंने टेस्ट करके देखा है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, बिकॉज आने वाली डेली हमारी वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको आते हैं और बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को खाना बनाना सिखाती हूँ। सो चलिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।